गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी साथ साथ चल रहा होगा आप लोगों का और कंटिन्यू स्टडी आपकी चल रही होगी। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। जो भी मैंने आपको डायरेक्शन दिया है कि बुक लेके आपको पढ़ना है, वर्ड मीनिंग्स जो भी उसको लर्न करना है, टॉपिक आपको एक बार जैसे मैं पढ़ा दूँ उसको एक बार आपको और रिवाइज करना है। 2 से 3 टाइम्स आप रिवाइज करोगे तो आपको टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और समझने में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप लोग? तो चैप्टर हमारा चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें मैंने आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हमारा टॉपिक चल रहा था। आपको मैंने बताया था कि मैन्योर हमारे लिए फ़ायदे भी है और कहीं कहीं उसका फ़ायदे नहीं भी मिल पाता है। फर्टिलाइजर कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, कहीं नुकसान भी होता है। तो मिला जुला के बात यह है कि आपको मैंने मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे जब पेज नंबर 12 पे आइए आप लोग, आगे हम स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर्स बता दिए थे, है ना। यहाँ तक अगला टॉपिक है हमारा क्रॉप रोटेशन, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्र। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक वीट और बेडली इन द फर्स्ट ईयर, दिस इज अ फॉलो बाई ग्रोइंग ल्यूजुमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। ल्यूजुमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। यानी आपसे बोल रहा है कि एक ही प्लांट्स बार बार ग्रो नहीं करो आप। कल भी मैंने बोला यदि बार बार एक ही प्लांट्स आप ग्रो करोगे तो पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में हो जाएगी। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए जैसे आपको मैं इसमें हिंदी अर्थ बता देता हूँ, फसल चक्र क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही फील्ड में, एक ही खेत में उगाना। जैसे कोई फार्मर है जिसने फर्स्ट ईयर गेहूं या बाजरे की खेती करी, फिर अगले सीजन में उसको मटर या सोयाबीन की खेती या दाल की खेती करनी चाहिए, जिससे क्या होगा जो लिजुमिनस प्लांट्स है, फलीदार पौधे, जो दाल वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 13, हाउ ल्यूजिमी प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आखिरकार ये ल्यूजुमिनस प्लांट्स तो होते हैं, कैसे मिट्टी में फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, समझिएगा। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नॉन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ ल्यूजुमी प्लांट्स। इस प्रकार के पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था नोड्स, जैसे ऐसे गांठें इसमें प्रेजेंट रहती है इस तरीके से। इन नोड्स को ही हम इसमें, इन नोड्स में क्या रहता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड नोड्यूल्स। इस रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं, जड़ नोड्यूल्स, उसको गांठ बोलते हैं। ल्यूजुमिनस प्लांट्स हेल्प टू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और यही वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं। द नाइट्रोजन सो फिक्स कैन बी यूज बाई द प्लांट्स रूट्स फ्रॉम द सॉइल, दिस इज हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज बाई द ल्यूजुमिनस प्लांट्स। और ये मिट्टी की उपजाऊ को भी बढ़ाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, अंडरलाइन करना, द प्रोसेस ऑफ कवर कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू कंपाउंड विच कैन बी यूज बाई प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सन। वह प्रोसेस जिसमें वातावरण के नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट किया जाता है, उसे नाइट्रोजन फिक्सन कहते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक था। 13 टॉपिक हो चुके अपने, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉप में पानी भी तो देना जरूरी है, वाटर भी तो देंगे, फसल कैसे ग्रो होगा हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इरीगेशन, सिंचाई। वाटर इज की इनपुट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन की एक चाबी है पानी। जब तक आप वाटर अवेलेबल नहीं कराओगे कैसे हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स वेल्स, कैनल्स और वाटर रिसीवियर्स इज नॉन एज इरीगेशन फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वाटर इज नेसेसरी। अब हमें वाटर रिसोर्सेज को वेल्स, कुओं, नहरें, तालाब, यहां से हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं। ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर वेरियस
वेरियस स्टेज ग्रोथ और फ्रूटिंग। हर फसल को हो सकता है क्वांटिटी अलग अलग हो, किसी को ज़्यादा वाटर चाहिए, किसी को कम वाटर चाहिए, लेकिन वाटर कंपलसरी है, चाहिए ही। तो टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर सीजन फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज मोर ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ वाटर इज सॉइल एंड लीव्स। गर्मियों के दिनों में हमें ज़्यादा पानी क्यों देना पड़ता है वाटर को, क्योंकि उस समय इवेपोरेशन की रेट, वाष्पीकरण की रेट, वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल में हमें वाटर ज़्यादा अवेलेबल कराना पड़ता है। अब हम इस टॉपिक में हमारे वाटर के इरीगेशन के मेथड जानेंगे कि पहले कौन सा मेथड यूज़ लिया जाता था और प्रेजेंट टाइम में कौन सा मेथड यूज़ लिया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधियाँ सिंचाई की, डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर अप फॉर इरीगेशन द फील्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग प्रकार के मेथडों का यूज, विधियों का उपयोग सिंचाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। इन सम ऑफ द मेथड कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज, और इन विधियों में मवेशी और मानव लेबर के रूप में काम करते हैं। सच मेथड एंड चीपर बट लेस इफिशियंट, हालांकि ये सस्ते तो होते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होता है इसमें। दीज डे पंप्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, आजकल पंप का उपयोग, बोरिंग का उपयोग पानी की सिंचाई में किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में भी यूज टू रन द पंप, जो डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर एनर्जी से चलता है, देखा होगा आजकल खेतों में हम उसी से सिंचाई करते हैं। दीज डे पंप, सॉरी द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन आर पुली सिस्टम, पहले यूज लिया जाता था, आप देखिए पीछे 1.9 जो आपका ए और बी डायग्राम दिया गया है, चैन पंप, रहट और व्हील ढकेली। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, ये देखिए आपको डायग्राम में दिया गया है, ये जो डायग्राम में आपको बताया गया है, ये हमारे पेज नंबर 14 खोलिए, इसमें आपको दिया गया है, ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारे, पहले इन्हीं मेथडों से सिंचाई होती थी। आज हालांकि इन मेथडों का उपयोग कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेबर ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगला नेक्स्ट मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के आधुनिक साधन। वंस द वाटर लिफ्टेड अप मेथड टू यूज द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दिस डे फॉर द टू ऑफ दीज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, विकसित हुआ है, उसलिए इरीगेशन का मीडियम भी चेंज हुआ है। दो मीडियम होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ेंगे, इज यूज वेयर द सॉइल कैन नॉट बी रिटेन वाटर फॉर द लॉन्ग एंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। रोटेटिंग नोजल आर अटैच द परपेंडिकुलर पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल, वाटर गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप इट्स रेनिंग। एक तरह का आप समझिए, इसमें फवारा सिस्टम किया जाता है, आपने देखा होगा फवारा, पूरे ग्राउंड में ऐसी पाइपलाइन फिटिंग कर दी जाती है, जैसे हमारी बिजली फिटिंग होती है ना, अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग, ऐसी खेत के अंदर पाइप की फिटिंग की जाती है और सब जगह एक एक नोजल, नोजल मीन्स जहाँ से पानी निकलेगा, फवारे की तरह फवारे का निकलता है और सब जगह हर क्रॉप तक वो पानी पहुँचता है, फैलता भी नहीं है पानी और सभी तक पानी पहुंच जाता है। ड्रिप सिस्टम इज इकोनॉमिकली मेथड ऑफ इरीगेशन, दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप द रूट्स ऑफ द प्लांट, दस वाटर इज नॉट वेस्ट, दिस सिस्टम प्रैक्टिसड इन द रीजन वेयर वाटर एबिलिटी इन पुअर। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें हर प्लांट्स की रूट्स में सीधे ही पानी दिया जाता है। एक तो होता है फवारा सिस्टम, ये तो स्प्रिंकलर सिस्टम है, और जो आपका ड्रिप सिस्टम है इसमें डायरेक्टली प्लांट की रूट्स तक वाटर अवेलेबल कराया जाएगा, बिल्कुल भी वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है। जनरली हिल एरियाज, पहाड़ी इलाकों में इस मेथड का यूज लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये आज इरीगेशन टॉपिक था, समझ गए होंगे आप लोग इरीगेशन टॉपिक, और टॉपिक आपके जैसे जैसे क्लियर होते जा रहे हैं, आप लोगों के कंटेंट में प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ मैं, और चैप्टर भी धीरे धीरे में कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम आराम से पढ़ना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, जैसे टॉपिक या कंटेंट आपका क्लियर आसानी से हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड अटेंड दिस सेशन, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइएगा। थैंक यू।